दोस्तों, मैं आपको शिल्पिस ब्यूटी टिप्स में स्वागत करती हूँ। मैं आपको अमेजिंग ब्यूटी टिप्स दिखाने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए एक वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो स्किन रिलेटेड है। इसमें आपका टैनिंग तो जाएगा ही और साथ साथ स्किन ग्लो बहुत करेगा। ये एक अमेजिंग ब्यूटी टिप है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चलिए आप देखते हैं इस पैक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। शुरू में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शहद है, आटा, ये हो गया पाउडर मिल्क, फिर है ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज पील वो मैंने पीस कर यहाँ रखा है, और लेमन, लेमन भी मैंने यहाँ काट कर रखा हुआ है। अब देखिए इसे हम कैसे मिलाते हैं। पहले हाफ चम्मच पाउडर मिल्क लेना है, फिर बहुत ही कम आटा इसे मिलाना है, इसमें हाफ चम्मच शहद मिलाना है, ऑरेंज पील, और अब लास्ट में इसमें हम नींबू मिलाएंगे। हाफ नींबू का रस ही काफी रहेगा। ये पैक स्किन ग्लो करने के लिए बहुत ही लाभदायक है और टैनिंग हटाने के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। इसे आप लगाकर जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल है ये। चलिए मैं आपको इसे हाथों में लगाकर अपना दिखा रही हूँ। इसे सिंपली आपको मोटे थोड़ा दरदरा करके लगाना है, थोड़ा मोटा करके लगा के रखना है इसे। आप इसे हाथों पर भी लगा सकते हैं, फेस पर तो लगाना ही है इसे, हाथ में टैन आ जाता है उस पर भी आपको लगाना है। ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है। अब आधा, कम से कम आधा घंटा आपको इसे रखना है, उसके बाद आप इसे धो डालिए। मैं अभी इसे पोंछ दे रही हूँ, हैंकी से पोंछ ले रही हूँ, पर आपको इसे धो देना है। पानी से इसे धो लीजिए और धोकर फिर कोई भी आप मॉइस्चराइजर, इस पे हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, स्किन बहुत ग्लो करेगा। पर आपको रेगुलर 15 डेज के लिए कम से कम इसे लगाकर आप इसे देखिए, जरूर से जरूर फायदा होगा आपको। स्किन ग्लो के साथ डिटैन होगा, टैनिंग बिल्कुल हट जाएगा इससे। आप इसे जरूर आजमाएं और पसंद आए तो आप इसे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, और शिल्पिस ब्यूटी टिप्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और आपको कोई डाउट या सजेशंस है तो आप कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।